को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बाजू दिए हुए इस बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल पर सेलेक्ट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम तला बरकातहू, तमाम दोस्तों का आसन अमला सबके लिए मैं तहे से इस्तकबाल करता हूँ। मैं हूँ आपका दोस्त शेख रिशा कादरी। दोस्तों आपकी खिदमत में मोहब्बत का 19 अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ। जहाँ दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैंने मोहब्बत के 18 मुख्तलिफ अमल बताए हैं जो माशाल्लाह बहुत अपने आप में बेनज़ीर हैं। बहुत ही आसान से वजीफे, आसान से नश वगैरह जो हज़रात देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक दी गई, आप जाकर देख सकते हैं। दोस्तों आज का हमारा खास अमल है मोहब्बत का अमल, जो अद हम इंशाल्लाह आज मुख्तलिफ बता रहे हैं कि इस अमल में ही आपने टाइटल पढ़ा होगा, यानी अमल का जो टाइटल पढ़ा होगा कि किसी भी गैर मर्दी औरत से पीछा छुड़वाने के लिए बहुत ही आसान सा अमल। दोस्तों ये किसी भी गैर और या मर्द औरत से पीछा छुड़वाने के लिए ये उन हजरात या बहनों के लिए हैं जिनके शोहर या इनके बीवियाँ जो हैं किसी गैर औरत या मर्द के साथ ताल्लुक़ रखते हैं। जैसा कि आप किसी समझिए कि किसी बहन के जो है ना शोहर किसी गैर औरत से ताल्लुक़ है, तरह तरह के तावीज़ात अमलियात नश वगैरह करते हैं, थक जाते हैं और कर नहीं पाते हैं, जिनको वक्त नहीं मिलता, घरेलू मसले होते हैं, काम वगैरह होता है, वक्त नहीं मिलता, तो ऐसी बात पर ऐसे बहुत सारे भाई भी हैं जो अमल करने से बताने से अपनी इज्जत चले जाती है, तो शर्मिंदगी हमारे ऐसी ज़िंदगी गुजारते हैं, ऐसे कोई वजीफ़ा या किसी दुआ के अमल की नज़र इंतज़ार में रहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह खासकर मैं आप ही लोगों के लिए ये अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों अपने दोस्त को दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। आज का वीडियो थोड़ा मुख्तलिफ है और रमज़ान माह रमज़ान का महीना है, मैं घर पर ही वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ, तो बैकग्राउंड वगैरह आप देखिए, देख सकते हैं आपके कैसा है। तो अगर कोई आवाज़ डिस्टर्बेंस आती है तो आप नॉइजी आवाज़ वगैरह आती है तो आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। तो आज का अमल जो दोस्तों बहुत ही आसान सा है, बस कुछ करना नहीं है आपको, कोई नश वगैरह हम आपको नहीं बताने वाले हैं, सूरह फातिहा का ही अमल है। बाद नमाज ऐशा जब कब आप सारा काम वगैरह कर चुके होंगे तो बिस्तर पर लेटे ही आपको पढ़ना है बस 41 मरतबा यानी 41 टाइम। दुरूद शरीफ अव्वल आखिर 11 मरतबा पढ़िएगा और सूरह फातिहा को 41 मरतबा यानी 41 टाइम पढ़ेगा। दुरूद शरीफ अव्वल आखिर 21 मरतबा पढ़िए या 11 मरतबा पढ़ सकते हैं आप, कोई मसला नहीं। 41 टाइम यानी 41 मरतबा सूरह फातिहा को पढ़ें। तस्वर करते समय अगर बहन अपने शोहर के लिए करें कि वो किसी औरत खैर औरत के साथ है और उसकी मोहब्बत इसके दिल में नहीं है, तो उसका शोहर अपने शोहर का तस्वर करते हुए पढ़ते हुए सिर्फ आपको सो जाना है, बात नहीं करना है। सारे काम याद रहिएगा, आपका बिस्तर पाक होना चाहिए, आप बावजू होना चाहिए, अमल करें, किसी से ना बताएं, और जो तस्वर जो ख्याल है सिर्फ अपने शोहर का ही रखें अगर अपने शोहर के लिए आप कर रहे हैं, और दूसरे उसके बाद अमल करते हैं आपको सिर्फ सो जाना है, बात नहीं करना है। इसी तरह आप 21 दिन या 11 दिन की मुदत यानी वक्त आप सोच लीजिए कि इतने दिन मैं पढ़ूंगी, इसके अंदर मेरा मसला हो जाए, या कोई भाई पढ़ रहे हैं तो इतने दिन मैं पढ़ूंगा, 11 दिन या 21 दिन की आप नियत कर सकते हैं। अलहमदिल्ला 21 दिन का करें तो 11 दिन के अंदर ही इंशाल्लाह 3 से 7 दिन या 11 दिन में ही कामयाबी मिल जाती है। ये बहुत सारे भाई बहनों का ये सवाल होता है कि क्या रमज़ान मुबारक में वजीफे कर सकते हैं, क्या रमज़ान मुबारक में वजीफा काम करता है। देखिए अगर जायज़ और हक़ का मसला हो, अगर सही हक के लिए अगर आप करते हैं, जायज़ मकसद के लिए करते हैं, क्योंकि रमज़ान ये वो महीना है जिसमें अल्लाह सुब्हान व तआला बंदों की इबादतें कबूल करता है, दुआएं कबूल करता है, गुनाहें माफ़ करता है, दोज़ख़ से गुनहगारों को आज़ाद फरमाता है। तो दोस्तों ज़रूर कामयाबी होती है, अगर हक़ के लिए, अगर जायज़ मकसद के लिए हम करते हैं तो ज़रूर कामयाबी मिलेगी। और इंशाल्लाह बाकी के जो जिन शैतान के जो मसले होते हैं, जादू के कार्ड वगैरह होते हैं, ऐसे अमल जो है रमज़ान में ना करिएगा। आप मोहब्बत की अगर या कुछ हाजत है आपके दस्ते गैब का है, खैर बरकत का है, तो ऐसे वजीफे अगर आप ज़रूर कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं ऐसे अमल आपकी खिदमत में लेकर हाजिर होऊंगा। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं अपने वीडियो में, अपना ख्याल रखें, और जो हज़रात अमल का सदका ज़कात वगैरह देना चाहते हैं तो देख सकते हैं, देखकर अमल की शुरुआत कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।